वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम रिव्यू करने वाले हैं बिग बॉस सीजन 11 का ग्रैंड फिनाले। शाम से बहुत लोगों ने पता नहीं क्यों मुझे ही चुना और मुझे ही परेशान करने की ठान ली। ट्विटर ले लो, मेरा फेसबुक ले लो, मेरा ईमेल ले लो या फिर मेरा यूट्यूब चैनल ले लो, इतने मेल्स आए मुझे कि सर आज ग्रैंड फिनाले है, आपको इस एपिसोड का रिव्यू करना पड़ेगा। मैंने अपने ज़िंदगी में कोई टीवी चैनल या कोई टीवी शो का रिव्यू कभी नहीं किया बैठ के। मेरी शैली रही है कि मैं सिर्फ फिल्म्स के रिव्यू करता हूँ, लेकिन फ्रेंड्स जब आप जैसे इतने सारे हज़ारों चाहने वाले हैं मेरे, तो मैं आपको निराश नहीं कर सकता। इसीलिए मैं अपनी छोटी सी कोशिश करूँगा पहली बार एक टीवी शो का एपिसोड का रिव्यू करने के लिए। अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, लेकिन आप जानते हो मैं जब कुछ काम करता तो उसमें गलती होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो फ्रेंड्स चलिए आज रिव्यू करते हैं बिग बॉस सीजन 11 का ग्रैंड फिनाले। वेल फ्रेंड्स, 9 बजे एपिसोड शुरू हो गया। हिंदुस्तान के सारे लोग अपने काम काज छोड़कर देखने बैठ गए। सलमान खान प्रेजेंस एपी फिज बिग बॉस सीजन 11 पावर्ड बाय ओप्पो ओप्पो ओप्पो। वेल फ्रेंड्स, जैसे शुरुआत हुई इस एपिसोड की फैंटास्टिक, आई मीन जिस तरह से सलमान खान ने एंट्री लिया, कड़क काबिले तारीफ, पूरा मुंह पे टाइगर का स्कार्फ बांधा था। बिग बॉस का जो गार्डन है उसी में सलमान खान ने स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, फैंटास्टिक डांस मूव्स थे। सलमान खान यूजुअली अपने यू नो टीवी शोज में इतना डांस नहीं करता, बस खड़े रह के हाथ पैर हिला देता है, लेकिन इस स्पेशल फिनाले के लिए अगर आपने स्टार्टिंग का परफॉर्मेंस देखा होगा और जब विनर अनाउंस हुआ, सलमान के अंदर जो एनर्जी थी, क्योंकि वो बंदा एक एक रुपया जो लेता है ना अपना शो करने के लिए, उसके एक एक रुपये की वसूली करके देता है जितने भी लोग उसको पैसा देते हैं। और फ्रेंड्स यही एक सच्चे कलाकार की सबसे अच्छी बात है। सलमान का एंट्री या स्वैग से स्वागत पे ले लो, और उसके बाद उसके हाथ में उन्होंने वो गन दे दी थी, तक 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 तक, और पहला कांच जो फूटा उससे निकली हिना खान। फैंटास्टिक हिना खान काफी गॉर्जियस लग रही थी ग्रैंड फिनाले में। जिस तरह से एक फाइनलिस्ट को उसके कॉस्ट्यूम्स पहनाए जाते थे, उस हिसाब से हिना खान को जो कॉस्ट्यूम पहनाया था, शी वाज लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस एज शी डिड थ्रू आउट द शो। हिना खान के जितने भी डिजाइनर्स थे उन्होंने उनके लिए फैंटास्टिक कॉस्ट्यूम डिजाइन किए, राइट फ्रॉम नाइट सूज टू यू नो इवन गाउन साड़ीज, जो भी वो कपड़े पहने थे इस शो में काफी लोगों की फेवरेट बन गई थी जस्ट फॉर अ कॉस्ट्यूम। एंड फ्रेंड्स जो सेकेंड एंट्री थी वो है विकास गुप्ता। टाइगर जिंदा है में आपने देखा होगा किस तरह से मैन वर्सेस वुल्फ सीन में सलमान खान के हाथ में दो चाकू रहता है और उसे फेंक के यू नो वुड के डोर से जो आदमी बाहर निकलता है वो है विकास गुप्ता। तीसरे एंट्री ऑब्वियसली शिल्पा शिंदे। शिल्पा शिंदे आज के जो ग्रैंड फिनाले में इतनी खूबसूरत लग रही थी, शी इज नेचुरल ब्यूटी, मिनिमम मेकअप, लूज लॉन्ग हेयर, शी वॉज लुकिंग एब्सोल्युटली डिलाइटफुल। वेल स्टार्टिंग में ही इस एपिसोड को एक पेस सेट कर दी गई थी, लेकिन जो एपिसोड का सबसे बेहतरीन पार्ट था वो था अक्षय कुमार, हम इस पे बाद में आएंगे। लेकिन फ्रेंड्स स्टार्टिंग में हमें झटका दे दिया गया पहले एक घंटे में कि पुनीत शर्मा को सबसे कम वोट्स मिले हैं, और पुनीत शर्मा को इस यू नो लिस्ट में से, यानी कि इस रनिंग रेस में से ऑफ हु विल बी द विनर ऑफ बिग बॉस सीजन 11 उससे निकाल दिया गया। फिर आए अक्षय कुमार जब स्टेज पे आई, वो लुकिंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। उनका सूट, उनका ग्लेज, उनका खड़े होने का स्टाइल, अक्षय और सलमान एक फ्रेम में एब्सोल्युटली फैंटास्टिक लग रहे थे। लेकिन जब उन्होंने प्रॉप्स मंगाए स्टेज पे, सलमान ने कहा यार प्रोड्यूसर लोग ने बहुत खर्चा किया और पहला प्रॉप निकला स्कूटर, तो स्टेज पे चार चांद लगाई ढिंचक पूजा ने। जिस तरह से आगे ढिंचक पूजा, पीछे अक्षय कुमार, पीछे सलमान खान, जिस तरह उन्होंने स्टेज पे स्कूटर घुमाई, इतना हंसी आई देख के। और एंड में आफरीन तू बेवफा है। सलमान पूछता है आफरीन कौन है, आफरीन फातिमा है, तो फातिमा कौन है, फातिमा या आफरीन है, तो दोनों एक ही है। वो काफी कॉमेडी है, अगर जब कल रिपीट है तो आप जरूर देख लेना। वो सीन मुझे काफी फैंटास्टिक, काफी यू नो वाकई काबिले तारीफ लगा। सेकंड जो मेन प्लस पॉइंट था इस एपिसोड का वो था पुनीत और बंदगी का डांस। मुझे नहीं पता पुनीत और बंदगी क्या साबित करना चाहते थे लोगों को, लेकिन उनका जो डांस था, टिप टिप बरसा पानी, अगर ये गाना रवीना टंडन देख लेती तो वो आत्महत्या कर लेती, और अक्षय कुमार ने शायद ये नहीं देखा, अगर वो देखता तो पुनीत की वाट लगा देता। पुनीत शर्मा इसमें हवस का पुजारी लग रहा था, बंदगी को ऐसा लग रहा था कि उसको पानी में हिला दिया, उसको सांस लेना नहीं हो रहा, और दोनों ने काफी वाहियात और स्लीजी परफॉर्मेंस दिया। मुझे नहीं लगता है कि नेशनल टेलीविजन पे ऐसे परफॉर्मेंस होने भी चाहिए थे। बहरहाल ये एक बैड परफॉर्मेंस था, इसको साइड में रख देते। लेकिन जो अगला था प्लस पॉइंट इस शो का, वो था सपना चौधरी का डांस।
सपना चौधरी का मैं बहुत बड़ा फैन बन गया हूँ, लेकिन एक ही कंटेस्टेंट थी जब वो आउट हुई तो मुझे बहुत दुख हुआ, तो वो सपना चौधरी। क्योंकि फ्रेंड्स आपको याद होगा दीपिका पादुकोण जब पद्मावत का प्रमोशन करने के लिए बिग बॉस में आई तो सपना चौधरी ने ठुमके लगाए थे, साड़ी पहन के यू नो स्लीक हेयर गजरा लगा के जो डांस किया था उसने फैंटास्टिक, और इसमें जब उसने नाचा हाँ कब तक जवानी छुपाओगी रानी, अक्षय पूरे एलिमेंट में लग रहा था, सलमान खान को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो अक्षय को देख रहा है, अक्षय पूरा नाच रहा है और शिल्पा जो ये अपनी ये सपना बीच में वो भी फुल ठुमके लगा रही, काफी मजा आया। सलमान खान का यही स्टाइल है, यही करिश्मा है जो उसको अलग एक्टर्स से यू नो एकदम अलग कर देता है। वेल फ्रेंड्स उसके बाद अक्षय कुमार ने अपना जौहर दिखाया और उन्होंने बताया किस तरह से सैनिटरी पैड्स ये समाज में इंपॉर्टेंट है, उसके बाद उन्होंने बताया कि सैनिटरी पैड्स कैसे बनाते हैं। अगर आपको वो जानना है तो मेरे चैनल पे मैंने एक एपिसोड बनाया है, इसमें मैंने दर्शाया कि अक्षय कुमार की स्पीच कितनी वाकई काबिल तारीफ थी, आप वो जाके देख सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स उसके बाद जो मुझे लगा कि इस बिग बॉस फिनाले का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था वो है हिना खान का। मुझे पता है हिना खान के हेटर्स को ये पसंद नहीं आएगा सुनकर, लेकिन गाइस मेरा बिग बॉस से कोई लेना देना नहीं है, मैं एक आम ऑडियंस हूँ, मेरा कोई फेवरेट भी ना शो में। मुझे लगा कि हिना खान जब वो गाने पे एंट्री लेती है मैं हीरोइन हूँ, बिग बॉस की बहुत पुरानी परंपरा रही है कि जिसने भी बिग बॉस जीता है अंत में खड्डे में गिरा जाके, चाहे वो राहुल रॉय ले लो या फिर वो क्या नाम है वो एक हरियाणवी आया था ना उसको ले लो या फिर विंदु दारा सिंह ले लो, जो भी बिग बॉस जीतता है उर्वशी ढोलकिया ले लो, एक और एक भाभी जी थी जिसने शो जीता था वो कुमकुम क्या जो भी शो में थी, वो जो शो जीतता है बिग बॉस का वो आगे जाके कुछ उखाड़ नहीं पाता। लेकिन शिल्पा शिंदे इज अ ब्राइट फ्यूचर, मैं शिल्पा शिंदे के बारे में ये नहीं कहूंगा, उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। लेकिन फ्रेंड हिना खान जब नाच रही थी मैं हीरोइन हूँ वो गाना फैंटास्टिक, और उसके बाद जब लव और स्टार प्रियांक दोनों एंटर किए और वो गाना बजा गजर ने किया है इशारा, वो गाना फैंटास्टिक, मुझे लगा कि शायद हिना जीत जाएगी लेकिन किस्मत कुछ कोई और ही मंजूर था, वो सीन काफी अच्छा लगा मुझे फ्रेंड्स। लेकिन उसके बाद सबसे फनी डांस अगर बिग बॉस 11 में बंदगी पुनीश के बाद कोई था तो वो है विकास गुप्ता और शिल्पा शिंदे का। शिल्पा शिंदे इसमें नागिन बनी थी, विकास गुप्ता सपेरा बना था, काफी फनी था, मेरे को जरा भी अच्छा नहीं लगा। उसमें भाभी जी को बहुत टाइट कपड़ा पहनाया था, विकास गुप्ता तो नाचने के काबिल नहीं है क्या, शो में रहने के काबिल नहीं था। और फ्रेंड्स विकास गुप्ता को इस पूरे शो में मास्टरमाइंड क्यों बोला यार, अरे किसी की चुगली यहाँ से वहाँ करने को मास्टरमाइंड नहीं कहते, ही वाज अ ब्लॉट ऑन बिग बॉस। मुझे नहीं लगा ही वाज डिजर्विंग टू कम इन द फाइनल, मुझे जो लगा जो बंदा सबसे ज्यादा मेहनत किया था वो हितेन तेजवानी यार, हितेन तेजवानी को पहले ही लात मार के निकाल दिया क्यों, ये मुझे समझ में नहीं आया। अगर वो डिसीजन जो शिल्पा ने लिया था बोलने के लिए हाँ यू नो हितेन तेजवानी इज अ वेरी स्ट्रांग कंटेंडर, भाभी जी ने अपना दिमाग तभी लगा के हितेन को भगा दिया, विकास गुप्ता वाज अ सैड स्टोरी, टीवी फटर्निटी ऑब्वियसली उसको सपोर्ट कर रही क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, बाहर निकल के वो उनको काम देगा, लेकिन विकास गुप्ता अभी किस तरह से अंधेरे की गहराई में खो जाएगा ये आप बाद में जान लेना। तो फ्रेंड्स उसके बाद जो मुझे सबसे बेस्ट लगा वो है अक्षय की एंट्री घर में, किस तरह से उसने यू नो तीन लोग खड़े थे और उसने बोला एक का दबाऊंगा और जो ब्लास्ट हो गया वो घर से बाहर हो जाएगा, विकास गुप्ता को लेके निकल जाता है, वो सीन भी काफी अच्छा लगा था मुझे। लेकिन फ्रेंड्स जब वो घड़ी आई जब हमको पता चला कि हिना और अभी शिल्पा को घर से बाहर निकलना है और दोनों लाइट बंद कर देते और पूरे घर में फव्वारे उठते खटर 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 और बाहर निकलते, मुझे थोड़ा रोना आया क्योंकि ऑब्वियसली यार अभी कोई घर में रह रहे हो आप कम से कम 110-115 दिन और घर छोड़ के निकलो, आपका इतना भव्य तरीके से स्वागत किया जाए घर से बाहर निकलने के, तो ऑब्वियसली दिल में थोड़े इमोशंस जागते हैं, मैं थोड़ा इमोशनल हुआ। और फ्रेंड सलमान खान ने जो मस्ती की उसके बाद उसने ब्रेक लिया, कौन जीता तो ब्रेक हुआ, मेरे दिल की धड़कन धक 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 कर दी। लेकिन सलमान खान ने तभी गुगली फेंकी, उसने बोला कि अभी लाइव वोटिंग शुरू हो गई, ट्विटर पे धमाल शुरू हो गया था, ट्विटर में सब लोग बोल रहे थे क्या है ये कोई रियलिटी शो है इंटरनेशनल फॉर्मेट है, बिंदु दारा सिंह सबसे ज्यादा भोंक रहा था ट्विटर पे बैठ के, वो बोल रहा है क्या हो रहा है ये सब नहीं हो रहा चौकड़। अरे जब पता था हिना खान नहीं जीतने वाले तो क्या जरूरत थी मेरे भाई ये सब करने की। वेल फ्रेंड्स वो तो ऑब्वियसली एक गिमिक था प्रोड्यूसर्स की तरफ से शो को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, और यही बिग बॉस का नाम है इट्स रियलिटी शो एट इट्स बेस्ट। उसके बाद सलमान खान ने जिस तरह से विनर का नाम अनाउंस किया और हमारे दिल की धड़कनें थम गई, और शिल्पा शिंदे का जब नाम अनाउंस हुआ मुझे तो बहुत खुशी हुई। अगर आपको जानना है कि क्या शिल्पा शिंदे डिजर्व करती थी जीतना नहीं जीतना, इसके पहले का एपिसोड देखो, उसमें मैंने बहुत डिटेल से बताया। ऑल इन ऑल बिग बॉस सीजन का जो ग्रैंड फिनाले था जो
जो 11 सीजन का ग्रैंड फिनाले था, वो एक विनर था, एक पैसा वसूल मसाला शो था, 9 से 11:30 तक या 11:55 तक जो भी ये शो चला, एक पैसा वसूल एंटरटेनमेंट था। आई थिंक यू नो प्राइम टाइम ऑडियंस को काफी मजा आया होगा। और इस शो को सलमान खान एंड में छोड़कर चले गए और कहा कि अगले सीजन में मैं तुमको मिलूंगा, टिल देन डोंट डू व्हाट एवर यू वांट टू डू मैन, बिकॉज यू आर गोइंग टू ओनली ट्रबल योर मदर। वो मुझे बहुत अच्छा लगा, सलमान खान ने जान डाल दिया भाई इस शो में। और मैं आशा करता हूँ जब अगला सीजन आए तो वो भी फैंटास्टिक हो। सो फ्रेंड्स, अगर ये एपिसोड पसंद आया हो, ये मेरा पहला बार था जब मैंने किसी टीवी शो का रिव्यू दिया हुआ, मेरी एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट थी। मुझे पता है कि मैं इसमें फेल तो नहीं हुआ, लेकिन अगर सक्सेसफुल हुआ हो तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। दिस इज मियां अंसारी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू इन अनदर एपिसोड। टिल देन एज आई ऑलवेज से, स्टे कूल मैन।